कौन कौन से इससे पहले मोबाइल चालू किए? मैंने किया था टाइटेनियम एस टू। आपने क्या किया? कार्बन टाइटेनियम एस टू प्लस। उसमें क्या हुआ था? सॉफ्टवेयर करने पर भी कंडीशन पहले जैसी थी। तुमने यहाँ पर कितने मोबाइल, कौन से मोबाइल चालू किया तुमने यहाँ पर? सर मैंने रेडमी 2 कल किया था, सीपीयू निकाल कर रिबॉन करके दोबारा लगाया था, और आज मैंने एक रेडमी 2 फिर से जिसमें ईएमएमसी की प्रॉब्लम थी। दूसरा कोई मोबाइल? दूसरा, हाँ दूसरा मोबाइल सर, तो उसका ईएमएमसी निकाल। ये मोबाइल आप अपना लेके आए थे या कहाँ, किसका था? सर इतनी पे सर का था, सर का दिया था। अच्छा, अभी मैं इसकी पिन आउट लगा रहा हूँ और इसे दोबारा से जीटेक से करने जा रहा हूं। जीटेक से करने जा रहा हूं। इसका सेट है ना सर, ये इसका निकला था इस बोर्ड में। इसमें भी सर J2 मॉडल है, ओके, इसमें की ईएमएमसी की प्रॉब्लम थी, ये सॉफ्टवेयर हैंग ऑन लोगो की कंडीशन में था, इसका ईएमएमसी निकला। डाउनलोड मोड पे जा रहा था, ये डाउनलोड मोड जा रहा था, पर ये फ्लैश नहीं हो रहा, फ्लैश नहीं हो रहा। ओके, उसके बाद में सर एक ये लावा का सेट खोला था, ये हैंग ऑन लोगो है, इसको सर हमने ईएमएमसी निकाला था, इसका इसका प्रोग्रामिंग करके ईएमएमसी लगाना है। ओके, ये देखिए यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फोन ऑन हो चुका है। ताली हो गई, क्या बात है। ये सब कुछ आप देख रहे हैं एक वीडियो में जिसको बिल्कुल एडिट नहीं किया गया है, इसलिए मैंने एक सेकेंड भी वीडियो को स्टॉप नहीं किया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवर अग्रवाल, आज मैं हूँ अपनी ईएमसी क्लास में, और ये हमारा ईएमसी का सबसे पहला वीडियो। मेरे साथ में है मेरे स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? राजू। राजू आप कहाँ से आए हैं? उदयपुर, राजस्थान। तो आपको कितने साल का अनुभव है? कम से कम सर 15 साल हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे साथ में काफी एक हुनर टेक्नीशियन है 15 साल से। अच्छा, आपने ईएमसी में कितनी क्लास अटेंड की है अभी तक? ईएमसी में सर मैंने 14 क्लास। 14 क्लास है, तो अभी आपको जो नॉलेज आप लेने आए थे जो प्रॉपर तरीके से, और जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर हुए? मोबाइल फोन यहाँ पे आपने बंद मोबाइल पर डेड बुट रिपेयर चालू किए कि नहीं किए? चालू किया सर, सीपीयू बनाया है, सीपीयू रिकॉल करके लगाया, फ्लैश रैम आईसी भी बना के लगाई है, और जेटेक की सप्लाईयां जो है, सप्लाईयां इंटरफेस ASP पिन आउट वगैरह बिल्कुल क्लियर है आपका? क्लियर लगाया सर। तो यहाँ पर ये मेरे सारे स्टूडेंट है, और आज आप क्या बताना चाहते हैं प्रैक्टिकली? 4i मॉडल है ये, मतलब फ्लैश पे आप में जाके रुक जा रहा है, मतलब इसमें फ्लैशिंग एरर है, हो नहीं रहा फ्लैशिंग, हो नहीं रहा। तो इसमें हम ये दिखा देंगे एक बार, तो ये एरर किस तरीके से निकालेंगे, मतलब ये ईएमसी का फॉल्ट है? ईएमसी का फॉल्ट। यही प्रॉब्लम जो अभी आते थे, और जो जनरली हम कई बार टेक्नीशियन फ्लैश करते रह जाते थे, टूल बदलते हैं और फिर फ्लैश नहीं होता है, फिर ये हम कर नहीं पाते हैं। सो यही एक आखिरी लेवल है कि अब हमें ईएमसी लेवल पे आना है। सो अभी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं कि अब मैं हर तरह के मोबाइल बना सकता हूँ? चलिए ठीक है, अब इसको दिखाइए। सो दोस्तों यहाँ पर ये हमारे स्टूडेंट का प्रैक्टिकली वीडियो है, जो उन्होंने यहाँ पर सीखा है वो सारी चीजें हम स्टूडेंट से प्रैक्टिकली करवाया जा रहा है यहाँ पर। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया हो, और जो देख रहे हैं यहाँ पर। सो अगर आपको ईएमसी की क्लास अटेंड करनी है तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, सो ये है MI का सेट, सो हम इसको फ्लैशिंग मोड पे करेंगे, इसमें EDL मोड लेके आएंगे हम यहाँ पर। तो देखिए हम यहाँ पे EDL मोड पे कनेक्ट कर रहे हैं फोन को, ले रहे हैं उल्टा 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 ले रहे हैं। सॉरी, नहीं नहीं अभी घुसा ही नहीं है ना, ये डायरेक्ट EDL पे जा रहा है क्या? नहीं सर, ये EDL मोड पे 9000 पे कनेक्ट कर दिया। चलिए ठीक है, अब हम इसको फ्लैश करेंगे। हम कौन सा टूल यूज कर रहे हैं फ्लैशिंग के लिए? नॉर्मल जो UMT डोंगल है, जो नॉर्मल टेक्नीशियन सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोस्तों हम कोई JTAG या UFI यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम नॉर्मल फ्लैशिंग करके आपको दिखा रहे हैं कि फॉल्ट क्या है। कौन सा
सो हम यहाँ पे इसको फाइल को सिलेक्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं उनको सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो, नहीं है तो आप हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। सो देखिए रॉ प्रोग्राम की फाइल है, आप देख लेते हैं किस इमेज में डली हुई है। इसी का है ये? हाँ इसी का है। चलिए ले लीजिए। सो देखिए हमारे पास ये आ चुका है फोन हमारा ऑलरेडी ईमेल में, तो हम फ्लैश में टिक करेंगे। यहाँ पर रॉ प्रोग्राम लेने के बाद पैच ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटो लोडर, ये बेसिकली हम फोर्स फ्लैशिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं जब हमारा फ़ोन आधे पे लोगों पे हैंग हो अटक रहा हो। पर यहाँ पर ये फ़ोन टोटली डेड है, फ्लैश भी नहीं हो रहा है। सो ये फॉल्ट ईएमसी का फॉल्ट है। तो देखिए यहाँ पे चेक टाइप अभी डिटेक्ट हो रही है। सो देखिए यहाँ पर फेल्ड आया, जैसे आपको देख रहे होंगे, और ये फेल्ड आके फिनिश हो चुका है। सो यही एरर आ रहा है जनरली। हाँ। और ये एरर हमने मिरेकल में भी चेक किया, मतलब कोई नॉर्मल टूल इसको फ्लैश नहीं कर पा रहा है। इवन एमआई का फ्लैश टूल यूज करते तो उसमें भी एरर आ रहा है। सो ये क्या फॉल्ट है? ये ईएमसी का, ये आपने डिलीट किया है इसको? तो ये डिलीट कैसे किया जाता है ये भी आपको नॉलेज मिला? चलिए ठीक है, आगे प्रोसीजर बताइए क्या करना चाहेंगे। अब आप इसकी ईएमसी को निकालेंगे। अच्छा, इस फोन में आप आईपीएस पिन आउट यूज नहीं कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? इसमें सर एसपी पिन आउट टेस्ट करना इसका मार्केट में सर अवेलेबल नहीं है, इसलिए अपन ईएमसी निकाल के और लगा के कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। ईएमसी के लिए सर ये सीपीयू का कवर कर रहे हैं सर, ताकि हीट ना पड़े, सीपीयू खराब नहीं। ठीक है, तो ये है एल्युमिनियम टेप, ठीक है सर, अलग बिल्कुल। और उसके बाद में सर लाइट सेक्शन में भी ये कुछ लाइट सेक्शन वगैरह ये भी हैं सर, इनको भी कवर करेंगे। ओके, दोस्तों ये हमारे मिलन सर। सो मिलन, आप ये बताइए कि स्टूडेंट का कैसे रहे स्टूडेंट के साथ आपका? ये सारे स्टूडेंट है जो बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है, तो इनको इतनी ज्यादा टाइम नहीं लगी, तो चार दिन में जितनी सीख गए इन लोगों ने, तो मेरे ख्याल से बहुत सीख गई। मतलब अभी कोई सा भी मोबाइल का डेडबोर्ड बना सकते हैं, कोई सा भी सीक्यू दे दो रिवॉल्व कर सकते हैं, फिर भी लगा भी सकते हैं। अभी उसको फ्लैश किया और दोबारा से उसने पीसीबी में इंस्टॉल किया। तो ये सब कुछ आपने खुद ही किया सर? बिल्कुल, मैंने यहाँ पर सर ने तो नहीं किया, सर ने बस पहले ही दिन बताया था, उसके बाद सब कुछ खुद किया। चलो ठीक है, थैंक यू सर। तो दोस्तों अब तक आपने देखे होंगे हमारे ईएमसी के वीडियो, जिसमें हमारे मिलन सर ने सारे काम किए हैं। आज ही हमारा पहला ऑफिशियल वीडियो आप यूट्यूब हमारे ऑफिशियल चैनल पे देख रहे हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट जो खुद प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहे हैं, जिनको लगभग चार दिन यहाँ हो चुके हैं, और उनके बाद उनको ट्रेनिंग की दिया हमने, और उसके बाद अब यहाँ पे खुद प्रैक्टिकल करके इनको बॉक्स के साथ में इंटरफेस लगा के इसको प्रोग्रामिंग करके इसको यहाँ पे चालू करके दिखाएंगे। तो देखिए आईसी सक्सेसफुल निकल गई है। कोई पैड और कोई टिप्स तो नहीं होकर यहाँ पर, मतलब कोई पैड बॉल तो नहीं निकला? नहीं सर, दिखा देते हैं एक बार यहाँ पर, तो यहाँ पे दिखा दीजिए बिल्कुल। तो देखिए ये हमारे
देखिए तो ये हमारी बॉल है, तो कोई भी बॉल यहाँ पे निकली नहीं है। बोर्ड का दिखा दीजिए, बोर्ड का दिखा दो वहीं पे बोर्ड लगा के। अभी इसी ईएमसी को आप किससे कनेक्ट करोगे? इसको जे टेस्ट से कनेक्ट करोगे कि किससे कनेक्ट करोगे? यूएफआई के किससे बताएंगे आप? तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जैसे कि इसको थोड़ा क्लिक कर लीजिए थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक प्रॉपर नॉलेज आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास में मोबाइल फोन फ्लैशिंग में डेड हो जा रहा है, बहुत सारी चीज है दोस्तों। अगर हम ईएमसी पे काम सीखते हैं तो डेड बूट रिकवर, डेड बूट बूट, डेड बूट रिकवरी, या फिर हम डाटा निकालना, सो बहुत सारे फॉल्ट होते हैं जो नॉर्मल टेक्नीशियन नहीं निकाल पाते हैं। हाफ शॉटिंग, क्योंकि लीकेज, हम जनरली डर जाते हैं सीपीयू को निकालने में, सो सीपीयू रिवॉल्व करना, सो नॉर्मल छोटी छोटी पावर एसी निकालना, रिवॉल्व करना, लोगों को डर लगता है, ब्लैक पेस्टेड आईसी निकालना लगाना, तो ये बहुत इजीली हो नहीं पाता है टेक्नीशियनों से। सो अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, नॉलेज लेना है, तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। देखिए एक भी पैड नहीं निकला है, बहुत प्यारी है इसी इन्होंने निकाली है यहाँ पर। और इसी मोबाइल को अभी हम फ्लैश कर रहे थे तो एरर आ रहा था, तो चलिए अब हम इसको कनेक्ट करेंगे और ये वापस इस आईसी को प्रोग्राम करके इसको रिबॉलिंग करके लगाएंगे। ये आईसी खराब है इसका। अच्छा ये आईसी खराब है, खराब है इसी, ओके। ये डिटेक्ट किया था। हाँ अभी ये आईसी सर हम इसमें लगाएंगे। चलिए ठीक है, मतलब ये आईसी हमने चेंज किया है, तो आईसी की प्रॉपर नॉलेज बिना आईसी लगा के दिखा दीजिए जीटेक में क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ वो भी दिखा दो। और मैं जो आपने प्रोग्रामिंग की है वो भी दिखा दीजिए क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत है। और मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे आप लोग जैसे मैं तो हमसे पूछना चाहता हूँ कि बिना आईसी निकाले हम आईसी को पहचान सकते हैं कि कौन सी ईएमसी आईसी लगी हुई है? बिना आईसी को निकालने पहचान सकते हैं कि इसके कौन सी आईसी लगी है, तो ये कितने जीबी की आईसी है? ठीक है, तो हम अभी कौन सी एसी लगा रहे हैं इसमें? वही जो एरर वाली एसी है। एरर वाली एसी। चलिए ठीक है, कौन सा एसी है? ये सर 221 है। 221 है, ठीक है। इसका ही नेक्स का। तो ये हमारी आईसी डिटेक्ट कर रही है। हाँ। ये देखिए। तो ये क्या प्रॉब्लम दिखा रही है? पार्टीशन सर इसका करप्ट हो गया है। और फर्मवेयर वर्जन भी? फर्मवेयर वर्जन भी। हेल्थ रिपोर्ट क्या है? हेल्थ रिपोर्ट सर वेरी बैड। तो मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सर अब चेंज करेंगे। तो हमने जो चेंज की और इसमें जो प्रोग्रामिंग की है, ठीक है, वो तो नहीं बताएंगे हम, वो यहाँ आके सीखना पड़ेगा। तो हमने जो प्रोग्रामिंग की है वो लगा के दिखाई है कि कैसे डिटेक्ट हो रही है, ठीक है। तो आप ऑलरेडी इस आईसी पे प्रोग्राम कर चुके हैं? प्रोग्राम कर चुका हूं। आपको किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है पूरा यहाँ पे नॉलेज है, ये आप ही ने खुद ही ने किया है? हाँ, सर ने तो नहीं किया। नहीं, चलिए ठीक है। तो दोस्तों हमारी नई क्लास 3 मार्च की क्लास है, आप हमारी 3 मार्च की क्लास अटेंड कर सकते हैं। डिटेक्ट कीजिए हमारी ऑलरेडी 3 मार्च की क्लास में, हालांकि सीट आधी हो चुकी है। यहाँ देख सकते हैं पूरा इंफॉर्मेशन है, पार्टीशन और एक्समोल क्या क्या बता रहे हैं बताइए, थोड़ा डिटेल बताओ क्या क्या बता रहे इसको, ये कितने जीबी का ईएमएमसी है और पार्टीशन और बिल्कुल बताइए थोड़ा डिटेलिंग और कौन सा ब्रांड का ईएमएमसी है पूरा बताइए।
ये सर 16 इसमें सैमसंग का EMMC लगा है, नया चेंज किया है, और 16 GB का EMMC है और इंटेल मेमोरी है उसकी 16 GB। तो नीचे जो आ रही थी और पार्टीज बूट 3 4 GB का बूट 3 4 GB। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो अब क्या करेंगे हम? अब सर इसको प्रोग्रामिंग कर दिया है, अब जाके हम वापस इसे वापस जाके हमें बोर्ड में। ठीक है, कौन सा वाला सेट किया था आप? सर वो Redmi 2 है, इसको मैं चेक कर रहा था, बैटरी चार्ज था, इसलिए मैंने मशीन से भी चेक किया, ओके ऑन हो गया, टच इट बिल्कुल फाइनली वर्क कर रहा है। ओके अच्छा सर, इसको सर पहले रिकॉल करेंगे। हाँ, उसके बाद सर सेट में लगाएंगे। ओके एक हैंग ऑन लोगो ठीक किया है, ये मैंने बताया अभी, पूछा है इनसे कि यहाँ पर है, कैसा लगा है यहाँ पर आपको आके, और आपने जो सोचा था कि हमें सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? सर वो मैं सोच रहा था कि जो काम मैं 10 दिन में सीख पाऊंगा वो मैं 4 दिन में अपने आप को कंप्लीट समझ रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ पर आके सबसे बेस्ट मिला है। मिला है यहाँ पर? बिल्कुल सर। दिल से कह रहे हैं आप? बिल्कुल दिल से सर। चलिए ठीक है। कितने घंटे की क्लासेस होती है यहाँ? सर वो तो आपके लिए थैंक्स है कि आप कोई टाइमिंग नहीं है, हम लोग 9 बजे आते हैं और जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक बने रहते हैं। क्या सोच के आए थे यहाँ पर? कि मिलने का क्या कैसे पढ़ाएंगे सर? हाँ, मिलन सर कैसे होंगे, कैसे पढ़ाएंगे? हाँ सर, शुरू के दिन में बहुत एक्सपीरियंस मिल गया। और बाकी आपके साथ ही जो क्लास में लग रहे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाले, क्योंकि आज ही उनका बैच कंप्लीट हुआ है, वो बच्चे भी आपके साथ रहते हैं, उनका क्या रिव्यू है आपके साथ में? सर सब अच्छा सीख रहे थे, सब अच्छा नॉलेज लेके गए। वो आईफोन का हो गया, चलो उसको पैक कर दे। ये मास्टर बनाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल है, इसमें ये डायमेंशन दिए हुए हैं, समझ रहे हो? किया इससे स्टेंसिल से, ये स्टेंसिल बहुत बढ़िया है, ये बेटर लगी। कौन सी स्टेंसिल आपको लगी? GSM सोर्स की स्टेंसिल है। GSM सोर्स बेस्ट है, बेस्ट है सर। क्यों, मैं भी पहले पावर आई थी, कुछ काम कर रहा था, GSM सोर्स वाला काम सही लगा रहा है, बेस्ट वर्क कर रहा है, बाकी के सारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, तुरंत ही हीट पड़ती है। अच्छा, नहीं ये काटना पड़ेगा, बावाई वाली लगा रहे। वो टोपी टाइप का है, वो आता है, उससे होता है क्या, मैं बताऊं, वो बिल्कुल मन काम करना, थोड़ी देर बाद दिमाग दर्द करने लगेगा, ध्यान रखना, थोड़ी बेकार है। हाँ वो बेकार है, और जैसे घड़ी का लेंस लगाते थे वो कंडीशन, हाँ वो बेकार है, वो घड़ी वड़ी वालों के लिए होता है ना, एक आंख वाला आपको आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, वो कभी यूज नहीं करना है। इवन पता है माइक्रोस्कोप में बता रहा हूँ, अभी माइक्रोस्कोप में हुआ था कि बाबा वाले ने एक वीडियो बनाया था, उसमें क्या बातचीत चल रही थी कि एक टेक्नीशियन नेपाल का आके बात कर रहा था कि सर माइक्रोस्कोप में हो क्या रहा है, थोड़ी देर बाद काम करने के बाद में आंखों दिमाग में दर्द महसूस होता है, यही चीज आगे इसमें काम करने पर वो दिमाग में दर्द महसूस नहीं हो रहा है, दो चीज विद द, और एक चीज, और एक द सेम टाइम दोनों चीज देख रहे हैं, ये LCD आप सामने लगा सकते हो जिसमें आप काम कर सकते हो। सो ये भी एक मेन है कि आपने किस LCD के साथ में क्या हो रहे हैं, तो बहुत देर तक काम करोगे
तो पता चला दिमाग हैंग हो गया। हाँ ये सर रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो ये हमारा दोस्तों ईएमसी का पहला प्रैक्टिकल स्टूडेंट के साथ, जो कि एशिया टेलीकॉम हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ में ही वीडियो बनाते हैं। और मेरी कोशिश यही रही है कि हम अपने स्टूडेंट को बेस्ट दें, क्योंकि जो हम उनको बोले हैं वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ आना है, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको मिलेंगे राजेश सर, आप उनसे बात कीजिए। देखिए यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं ईएमसी भी निकला है, सीपीयू पावर आईसी हमारे स्टूडेंट ने निकाला हुआ है। ये कितने निकाला है ईएमसी सीपीयू पावर आईसी आपने निकाला है? चलो बढ़िया। आप जैसे कि देख रहे हैं एक ब्लैक पेस्टेड, अच्छा ब्लैक पेस्टेड आईसी निकाली थी। देखो रात में देखना हाँ 11-12 बजे तक करीब हमारे उधर हल्ला हो जाएगा। हल्ला हो जाएगा। अच्छा मेरे जितने भी सर कम से कम 20-25 दुकानदार है, हाँ अगर सब्सक्राइबर हैं सर बहुत से, मुझे नहीं लगता मेरे को कोई सब्सक्राइब किया होगा। नहीं सर सर नहीं सर मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ आपको। अच्छा हम भी देख रहे हैं सर काफी टाइम से। मेरे को सर नॉलेज मिला है सर आपसे, बहुत सी चीजें मैं ड्रेसिंग में होता था मुझे, तो जो जो वीडियो देखे भी सीखा। आप अगर वो मेरे चैनल नहीं देखते ना तो आप यहाँ कभी नहीं आते सच बोलते। आप बहुत आप लोग बहुत लॉन्गर मेरे व्यूवर हो, ध्यान रखना। आप लोग को मैंने कॉल करके नहीं बुलाया नहीं। सर, मैं 2014 से देख रहा हूँ है ना, और आप लोग ने यहाँ पर वीडियो में देखा कि कितना यहाँ पे काम हो रहा है, साथ में यहाँ पे आपने कॉन्फिडेंस देखा स्टूडेंट का यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने देखे परफेक्टली रिबॉलिंग की यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं। चलो ठीक है, तो अब हम इसको पीसीबी में लगाएंगे। नहीं अभी ये मेन है, अभी ये तो कंटिन्यू करेंगे, तो वो तो खोल ही रहेंगे, उनका क्या है सीख गए। आईसी निकालना दोस्तों एक हो जाता है कि चलो यार सब निकाल लेते हैं, बैठाना और बैठा के चालू करना मेन है। क्यों आईसी को बैठा के सेट चालू हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट से पता चला आईसी खराब हो गया, प्रिंट निकल जाते हैं आईसी को बिठाने से, ज्यादा हीट डिले से पता चला और प्रॉब्लम आ गई बोर्ड में, बोर्ड फूल जाता है। सही कह रहे हो, कितनी हीट देनी है, क्या देनी है, कहाँ देनी है। Thank you.
तो ये बैठ गई है आपके? ये बैठ गई सर, कट देखना होता है। चीप ऑन से बच्चे सर। ओके। यस। ओके। दोनों कट से कट देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैच कर। मैच। चलो, तो अब हम थोड़ा उसको वेट करेंगे। कौन कौन से इससे पहले मोबाइल चालू किए? मैंने सर पहले MIS 2S किया था सर। 2X किया था। CPU और प्लेसर माइसी बदला था। अच्छा। टाइटेनियम S2। आपने क्या किया? कार्बन टाइटेनियम S2+। उसमें क्या हुआ था? उसमें सर सॉफ्टवेयर करने पर भी कंडीशन पहले जैसी थी। ओके। डाटा वगैरह सब। ओके। पैटर्न लॉक नहीं जा रही थी। पैटर्न लॉक नहीं जा रहा था। पैटर्न लॉक नहीं जा रहा था। नहीं नहीं सर, पैटर्न नहीं था। तो पूरा डेटा प्लेस करने के पर भी और भले फॉर्मेट करो डिलीट नहीं हो रहा था। हाँ, डिलीट नहीं हो रहा। ये कंडीशन वेरी गुड। यही कंडीशन सेम मेरे अभी एक पंजाब वाले स्टूडेंट के साथ आई है। कह रहा है कि सर हार्ड रिसेट कर दो, कुछ भी कर दो, फ्लैशिंग करो, डाटा डिलीट नहीं हो रहा है। सब तुमने उसको EMC से फॉर्मेट किया होगा, राइट है ना? वेरी गुड। यहाँ पर तुमने यहाँ पर कितने मोबाइल, कौन से मोबाइल चालू किया तुमने यहाँ पर? सर मैंने Redmi 2 कल किया था, CPU निकाल कर रिबॉल करके दोबारा लगाया था, और आज मैंने एक Redmi 2 फिर से, इसमें EMMC की प्रॉब्लम थी। दूसरा कोई मोबाइल? दूसरा, हाँ दूसरा मोबाइल सर, तो उसका EMMC निकाल। ये मोबाइल आप अपना लेके आए थे या कहाँ, किसका था? सर किसी पे सर का था, सर का दिया था। अच्छा, अभी मैं ISP पिन आउट लगा रहा हूँ और इसे दोबारा से GTEC से करने जा रहा हूँ। GTEC से करने जा रहा हूँ। तो हम सर सैमसंग में भी सर ISP विन आउट से कनेक्ट करके देखा था। अच्छा, सैमसंग का सेट है ना सर, ये इसका निकाला था इस बोर्ड में। इसमें भी सर J2 मॉडल है, इसमें की EMMC की प्रॉब्लम थी। ओके। ये सॉफ्टवेयर हैंग ऑन लोगो की कंडीशन में था। EMMC निकाला, डाउनलोड मोड पे जा रहा था, ये डाउनलोड मोड जा रहा था, पढ़िए फ्लैश नहीं हो रहा, फ्लैश नहीं हो रहा। ओके। उसके बाद में सर एक ये लावा का सेट खोला था, ये हैंग ऑन लोगो है, इसको सर हमने EMMC निकाला था, इसका इसका प्रोग्रामिंग करके EMMC लगाना है। ओके। लावा Z1, लावा Z1, लावा Z1 का सेट, ये मतलब इसको फ्लैश करने पे मतलब रुक जाता है बार बार। अच्छा, कोई भी फ्लैश फाइल दो करेंगे सर, फ्लैश कर भी देंगे। SPD CPU है? SPD CPU होगा ना? नहीं, SPD CPU होगा। तो ये आपने स्पेक्ट्रम टूल से SPD टूल से आप फ्लैश कर रहे होगे, रिसेंट डाउनलोड है सर, उससे कर दिया, UMD से कर दिया, सबसे सबसे कर दिया। तो पर ये हैंग ऑन लोगो सर इसका नहीं है। ओके ओके। इसको सर EMMC निकाल के वापस एक बार। तो अच्छा, मुझे एक बार बताओ, जैसे आपने उसकी प्रोग्रामिंग कर दी है, सो क्या उसको फ्लैश करना, फिर से फ्लैश करेंगे? एक बार फ्लैश करना पड़ेगा, फिर से फ्लैश करेंगे। ठीक है, वो सर देखेंगे मतलब प्रोग्रामिंग के बाद चला के, अगर फ्लैश की जरूरत होगी तो फ्लैश करेंगे। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फोन ऑन हो चुका है। ताली हो गए, क्या बात है।
ये सब कुछ आप देख रहे हैं एक वीडियो में जिसको बिल्कुल एडिट नहीं किया गया है, इसलिए मैंने एक सेकंड भी वीडियो को स्टॉप नहीं किया। सो इस सेट का देखिए एलसीडी ब्रेक है बट ठीक है, फोन सा चालू हो गया हमने यहाँ पर। और यहाँ पर इन्होंने सेट में पहले इन्होंने फ्लैशिंग किया, एरर देखा आपने, फिर इन्होंने आईसी को निकाल के उसको प्रोग्राम किया, सैमसंग का सर न्यू प्रोग्राम किया था, आईसी नया चेंज किया, आईसी को चेंज किया और उसको भी प्रोग्राम करके फिर इसमें चढ़ाया और पहले उसको रिबॉल किया, रिबॉल करने के बाद में फिर उन्होंने सेट पे लगाया और एक बार में सेट चालू हो गया यहाँ पे। हाँ, मैं भी लग रहा था कि हो सकता है कि एक बार बैठे या दूसरी बार में, तो यहाँ पर बैठे ना एक बार में सेट चालू हो गया। सो अभी इसको देखते हैं आगे बढ़ते हैं, तो बहुत से लोग यहाँ भी बोलेंगे कि एमआई पे अटका हुआ है, देखते हैं नीचे एंड्रॉइड पर चार्ज नहीं है सर। चार्जर ओके जब चालू था राजेश ये सर, एक घड़ी लगा उसमें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सेट हमारा चालू हो गया, बहुत बढ़िया। एक मिनट सर, रिबूट करना पड़ेगा। हाँ, इसको रिबूट कर लीजिए। एक घड़ी लगाओ, मैं बोल रहा हूँ एक घड़ी खरीद के लाओ कल, एक घड़ी यहाँ पे लगा ठीक है। हालांकि क्लास में घड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें क्लास का टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है, फिर भी नॉर्मल खुद की टाइमिंग के लिए घड़ी लगा। तो देखिए यहाँ पे चार्जिंग मोड पे अभी हमारा फोन, और देखिए तो यहाँ पे चार्जिंग मोड दिखाई दे रहा है, इसको चालू करो और इसका एमई दिखा दो, और ये भी बताओ कि एमई को रिपेयर किया है क्या किया है इसने। इसका सर पार्टीशन, पार्टीशन हमने पहले से रीड करके रखा है कि इसकी वजह से इसका आईमी उड़े ना उड़े ना। अच्छा, पार्टीशन आपने रीड कर लिया था। एमआई के सेट थोड़े लेट बूट होते हैं, आराम से है ना, आराम से होते हैं। हमें मेरे को सर यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था कभी। अच्छा, इसलिए मैंने क्या कि बहुत से सेट सर यहाँ तक आके और मेरे से बने नहीं है, तो वो लौट गए होंगे। लौट गया सर, नहीं बनवाए हैं सर। अच्छा, फिर दूसरे से बनवाए, तो अब वो काम जाने नहीं देंगे, अब तो दूसरों से लेना है, दूसरों से लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉयड आ चुका है जो पूरा सही है। सर इसलिए मतलब क्योंकि जो चीज़ हमें लगता है कमी है उस चीज़ को पूरा करने में कोई बुरा नहीं है, नहीं, क्योंकि उसके बाद में कस्टमर को हम, क्योंकि क्या टेक्नीशियन सीखना नहीं चाहता है ना, और वो क्या करता है फिर बाद में कस्टमर के मोबाइल खराब कर देता है क्यों। तो अगर सही काम करेंगे तो आप आईमी चेक करवा दो। यहाँ पे देखें दोस्तों आईएमई भी दिख रहा है, तो ये क्योंकि इसकी आईएमई की अपने प्रोग्रामिंग पहले कर लेते हैं, उसका पार्टीशन रीड कर दिया था, एनवी डाटा रीड किया था, तो उसको आपने राइट कर दिया होगा जो नई वाली फाइल के साथ में, जो नई अभी एएमसी लगाई होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा काम किया। और बस एसी एक बार ताली बजा दो भाई सब लोग इनके लिए, क्योंकि सिंगल बार में इन्होंने यहाँ पर ये पूरा काम किया, और बहुत अच्छा लगा कि आपको ऐसे लोगों को पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है जो बिल्कुल लगन और मेहनत के साथ में पढ़े। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अगर आप एक बार मिलन सर को भी दिखा दे, मिलन सर आइए, तो क्या बताना चाहेंगे नया बैच कब से है, और 3 मार्च से हमारा नया बैच है। हाँ, आप आ सकते हैं और यहाँ दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि पेस्टेड आईसी कैसे निकाले, ब्लैक पेस्टेड होगी और कैसे बनाए उसको, ब्लैक पेस्टेड सीपीयू, ब्लैक पेस्टेड ईएमसी, पावर आईसी और एमएमसी प्रोग्राम कैसे करें, और शॉटिंग की कुछ ट्रिक बताएंगे बस। तो आप मिलन सर के लिए एक बार ताली बजा दो आप लोग, क्योंकि ये एक हीरा है, मतलब क्योंकि बहुत अच्छा काम जो उन्होंने 4 दिन में, जैसे कि हमारे स्टूडेंट ने बोला था कि आपको लगा था कि 10 दिन में काम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, है ना, हमें को 25 दिन चाहिए, तो अभी आपको 4 दिन में कॉन्फिडेंस आ गया। बिल्कुल, 4 दिन में देखिए डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच यहीं पर।
मतलब अगर आपको डाटा बचाना है और आपको सीखना सही तरीके से फ्लैशिंग, बाइनरी नंबर क्या होती है, सारी चीजें आपने यहाँ पे सीखी है, यहाँ पर मीडियाटेक का फ्लैशिंग हो या क्वालकॉम का फ्लैशिंग हो या एसपीडी का फ्लैशिंग हो, एमआई की फ्लैशिंग आप कर लेंगे यहाँ पर। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? दोस्तों नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें सिर्फ बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से सीपीयू की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, यह आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू।